दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शादी के बाद पत्नी के आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम और एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, और आपके पास एड्रेस चेंज करने के लिए और पिता से पति का नाम बदलने के लिए कोई भी प्रूफ में डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बिना डॉक्यूमेंट के कैसे अपने आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम और एड्रेस को चेंज कर सकेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है UIDAI। आपके सामने आधार कार्ड की नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपको देखिए दूसरे नंबर पर अपडेट आधार का ऑप्शन दिखेगा, इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आकर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, ये जो कैप्चा लिखा है इसको यहाँ पर सही फिल कर देना है, सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, रजिस्टर्ड होगा, उस पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को एंटर OTP पर डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप इसमें लॉगिन कर गए हैं। अब अपने आधार कार्ड में एड्रेस और पिता से पति का नाम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिखेगा अपडेट आधार ऑनलाइन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको इस तरीके का पेज आएगा आपके सामने, नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड टू अपडेट आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपने आधार कार्ड में क्या चेंज करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में जैसे बहुत से क्या होता है, बहुत से शादी के बाद सरनेम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर नेम पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप सरनेम चेंज नहीं करना चाहते तो आपको इस कॉन्टेक्ट कर देना है और एड्रेस के लिए आपको एड्रेस पर टिक कर देना है और प्रोसीड टू अपडेट आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपका जो वर्तमान में अभी हाल ही फिलहाल में आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स टू बी अपडेटेड का, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी आधार कार्ड में जो करेक्शन कर रहे हैं यानी जो सही डालना है पता, उसको यहाँ पर आपको डालना है। अब यहाँ पर दोस्तों केयर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, केयर ऑफ में आपको अपने पति का नाम डाल देना है, जैसे कि पिता का नाम डाला होगा तो अब यहाँ पर आपको केयर ऑफ में अपने पति का नाम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप मान लीजिए हिंदी में इंग्लिश में टाइप करेंगे अपने पति का नाम तो हिंदी में ऑटोमेटिकली नीचे टाइप होकर आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पर आपको अपना एरिया, स्ट्रीट, रोड कौन सा है वो डाल देना है। जैसे जैसे आप इंग्लिश में टाइप करते जाएंगे और नीचे हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप होकर आता जाएगा, और अगर आपको हिंदी में यहाँ पर गलत लिखा आ रहा है तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपने स्ट्रीट डाल लेना है, फिर यहाँ पर आपका एरिया कौन सा है वो डाल देना है, अगर आपके घर के नज़दीकी कोई लैंडमार्क है तो यहाँ पर लैंडमार्क डाल दीजिए, यानी कोई लैंडमार्क का मतलब होता है कोई बहुत ही मशहूर चीज़ अगर आपके घर के पास है, कोई दुकान हो गई या कोई प्लेस हो गया तो वो डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। यहाँ पर दोस्तों पिन कोड डालते ही आपको अपनी सिटी चूज़ करनी है, फिर पोस्ट ऑफिस चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लेकिन दोस्तों बात आती है कि हमारे पास प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आपको क्या करना है दोस्तों। तब आपको इसके लिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, और नहीं पहुंचते हैं तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है आधार कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपके सामने देखिए नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा,
ये इस तरीका है। अब इस फॉर्म को आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आपको प्रिंट करा लेना है, और नहीं है तो आप अपना किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े या जन सेवा केंद्र से जाकर इसको प्रिंट करा लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट डालना है। डेट डालते ही दोस्तों जो डेट डाली है उसके 3 महीने तक ये फॉर्म वैलिड रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक रेसिडेंट पर टिक लगाना है और अपडेट रिक्वेस्ट पर टिक लगाना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है। केयर ऑफ में पति का नाम डालने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी पूरी एड्रेस की डिटेल्स फिल कर देनी है, जैसे मकान नंबर, रोड कौन सा है, एरिया, सिटी, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर होंगे जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, यानी जिसके आधार कार्ड में करेक्शन हो रहा है उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और उनका एक फ़ोटो लगेगा। इतना फॉर्म दोस्तों, आधा जो फॉर्म है वो आप लोगों को बनना है। अब नीचे दोस्तों अब आपको इस फॉर्म को सर्टिफाई कराना है। जैसे मान लीजिए आप गांव के रहने वाले हैं तो आप अपने एरिया के, अपने गांव के ग्राम प्रधान से इसको सर्टिफाई करा सकते हैं, यानी वेरीफाई करा सकते हैं। और अगर आप शहर के रहने वाले हैं, आपके यहाँ पार्षद बनते हैं या सभासद बनते हैं, तो उनसे भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। आपको इतना फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, आपको अपने एरिया के ग्राम प्रधान या सभासद के पास ले जाना है। वो यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर वो अपना काम डालेंगे कि वो है क्या। जैसे सभासद हैं तो वो यहाँ पर म्यूनसिपल, MP, MLA ये सब डालेंगे, अपने ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे आप ग्राम प्रधान से कराने जा रहे हैं तो यहाँ पर विलेज पंचायत पर आपको क्लिक कर देना है, और आप अपने एरिया के सभासद से करा रहे हैं, पार्षद से कराएं, तब आपको MP MLA पर टिक करना है। यहाँ पर उनके कार्यालय की, उनकी मोहर लगी, ग्राम प्रधान हो या सभासद हो, और ऊपर आपके जो फ़ोटो है इधर भी इस पर मोहर लगेगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये सब इतना फिल करने के बाद, इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड की वेबसाइट पर आ जाना है, और जो मैंने स्टेप्स बताई हैं वो फॉलो करना है। और यहाँ पर आकर आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप लिखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चूज़ करना है कि आप कौन सा लगा रहे हैं। अब दोस्तों जैसा कि अगर आपने अपने ग्राम प्रधान से इस फॉर्म को सर्टिफाई कराया है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट इशू बाई विलेज पंचायत, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने अपने ग्राम प्रधान से नहीं कराया, आप शहर के रहने वाले हैं, तो आपने अपने एरिया के सभासद से कराया है, पार्षद से कराया है, तब यहाँ पर देखिए MP MLA MLC वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैनुअल अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट्स पड़ा हो उसको सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। और दोस्तों जो आपका ये फॉर्म है वो JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा है उसका साइज़ तो आपका ये अपलोड नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये सब डिटेल्स फिल कर लेनी है, डॉक्यूमेंट यानी इस फॉर्म को अपलोड कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जो आपने अपना एड्रेस सही वाला लिखा होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। आपको इसको चेक कर लेना है, अगर आपको कहीं पर कुछ गलती दिखती है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपको देखिए दोनों ऑप्शन पर इस तरीके से टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपने आधार कार्ड में करेक्शन के लिए आपको इसमें पेमेंट करना होगा 50 रुपये का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर IHERBY पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आप पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो हम नेट बैंकिंग पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, प्रोसेसिंग आपके सामने चलने लगेगी। अब यहाँ पर आपको अपना पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे तो आपसे ये कुछ 50 सेकंड का टाइम लेगा, तो आपको वहाँ पर ना ही कट करना है, ना ही रिफ्रेश करना है, कुछ नहीं करना है। आपका पेमेंट होते ही ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म कर देंगे, यानी पेमेंट कर लेंगे, तो आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके सामने एक PDF डाउनलोड होगी,
तो कुछ आप जैसे ही आप उस पीडीएफ को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके की आपके सामने स्लिप आएगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप। अब यहाँ पर दोस्तों आपका आधार नंबर, एसआरएन नंबर और कितना अमाउंट पेड किया है ये सब डिटेल्स लिख कर आएगी। और यहाँ पर लिख कर आएगा जो आपने एड्रेस चेंज किया है, दोनों एड्रेस लाएंगे, जो आपके अभी प्रेजेंट में एड्रेस है आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर लिख कर आएगा, और जो एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर एक तरफ लिख कर आएगा। तो दोस्तों ये स्लिप होगी जिसके ज़रिए आपको मतलब पेमेंट की स्लिप है कि उससे कंफर्म है कि आपने पेमेंट हुआ है सक्सेसफुली, यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। और यहाँ पर एसआरएन नंबर के ज़रिए तो आप स्टेटस चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो करेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में शादी के बाद एड्रेस को चेंज कर सकते हैं और पिता से पति का नाम बदल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।